उत्तराखंड के विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले में विशेष अतिथि के रूप में स्वतंत्रता दिवस समारोह के साक्षी बनेंगे। जल जीवन मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अमृत सरोवर योजना, सेंट्रल विस्टा परियोजना जैसे विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों से संबंधित लगभग 1,700 लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को सुनने के लिए आमंत्रित किया गया है। इनमें उत्तरकाशी जिले के किसान उत्पादन संगठन के लाभार्थी भारत सिंह रौतेला भी शामिल है। मेरा नाम भारत सिंह रौतेला है, ग्राम झाला, पोस्ट ऑफिस झाला, तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी का मूल निवासी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें फोन आया है वहाँ से कि आपको 15 अगस्त की सेरेमनी में बुलाया गया है। बड़ी खुशी हो रही है, क्षेत्र में भी खुशी की लहर है कि एक छोटे से एफपीओ को भी वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है। वहीं मसूरी से जल जीवन मिशन की लाभार्थी कौशल्या रावत को दिल्ली आने का निमंत्रण मिला है, जिससे वो बेहद खुश हैं। मेरा नाम कौशल्या रावत है और मैं ग्राम पंचायत क्यारकुली भट्टा से ग्राम प्रधान हूं, ब्लॉक सैंसपुर, जिला देहरादून, उत्तराखंड। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें आमंत्रित किया है हमारी ग्राम पंचायत को 15 अगस्त में, तो बहुत ही हमारे लिए तो गर्व और हर्ष का क्षण है ये, क्योंकि हर किसी को वहां जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन हमें मिला है तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और जल शक्ति मंत्रालय का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उधर नैनीताल जिले के भीमताल विकासखंड के किसान आनंदमणि भट्ट को प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत अतिथि के रूप में चुना गया है। मेरा नाम आनंदमणि भट्ट, ब्लॉक भीमताल, ग्राम सभा अलचौना ताड़ा से, जिला नैनीताल, उत्तराखंड का निवासी हूं मैं। एक छोटे से गांव के किसान को इस आज़ादी के महापर्व में दिल्ली लाल किले में आमंत्रण दिया है, जिसके लिए मैं मोदी सरकार और मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा।